हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गया आपके लिए 5 मिनट एडिटोरियल वोकैबुलरी। और आज डेट है 29th ऑफ अगस्त एंड एज यू ऑल नो कि ये वोकैबुलरी आपको आपकी आंसर राइटिंग और सीसैट में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते कौन कौन से नए वर्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला वर्ड देखिए, डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब होता है आपका डिसएग्रीमेंट, डिस्पैरिटी है, ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन, मतभेद है किसी के बीच में, ठीक है। अग्रीमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कोई इस मतलब एक अग्रीमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, डिसअग्री कर रहे हैं। देन बात करते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, इंटेंशनली आप कोई चीज करते हो पर्पसली, कि एक पर्पस था किसी चीज को करने का, ठीक है, मतलब जानबूझ के किसी मतलब चीज को करना। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड का पेन तोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा किया, तो फिर आप वो सेंटेंस बना सकते हो दैट यू डेलिबरेटली ब्रोक समवन्स पेन और यू डेलिबरेटली ब्रोक योर फ्रेंड्स पेन। ओके, सो दिस इज व्हाट डेलिबरेटली मींस, इंटेंशनली जानबूझकर करी हुई चीज। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड है हु, दैट इज लाइक कैरेक्टर, एस्पेक्ट, नेचर एंड टाइप और काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो एक तरीके का कैरेक्टर है या फिर आप नेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्राइब करता है ये कैरेक्टर को। ओके, देन उसके बाद है बिड। बिड आपका अटेम्प्ट हो गया, एफर्ट हो गया, एंडेवर हो गया, और एक तरीके में इसको बोली भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे बोली लगाते हैं, बिड लगाते हैं किसी चीज पे, और बाकी अटेम्प्ट। ओके, नाउ डिनाउंसमेंट, एंडिंग, फाइनल आउटकम, एंड रिजल्ट, क्लाइमेक्स ऑफ अ सिचुएशन या उपसंहार। तो इट इज लाइक कि किसी चीज का एक फाइनल वो लुकआउट होता है, जो भी एक चीज निकल के आती है, अंत होता है किसी चीज का, ठीक है, कि मतलब अब जैसे आपने पूरी मूवी देखी तो इसका एक एंड आता है, तो वही चीज रिजल्ट। कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग, समिट, सम्मेलन, एक तरीके की जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक चीज पर अपने जो विचार हैं, वो जो विचार हैं उनको यू नो उनको बताते हैं। देन beforehand, in advance, ahead of time, earlier, previously, पहले ही, जैसे कोई भी चीज है आपको कुछ करना है तो वो बिफोर हैंडेडली हो जाती है, उसको बिफोर हैंड कहते हैं, मतलब पहले से एडवांस में हो गई। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस, श्योरनेस, अश्योरेंस, यकीन, मतलब एक तरीके का कॉन्फिडेंस है आपको, जैसे आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस। देन रीअफर्म, रीअफर्म मतलब असर्ट, स्टेट, अश्योर अगेन स्ट्रॉन्गली, पुष्टि करना किसी चीज की, कि मतलब हमें रीअफर्मेशन चाहिए इस चीज का, वी नीड टू रीअफर्म अ पर्टिकुलर थिंग, कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, पुष्टि करना किसी चीज की। ओके, आइडियोलॉजिकल, रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ आइडियाज, विचारधारा, किसी की मतलब विचारधारा को, मतलब किसी के विचारों को जब आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि that person has a very different kind of ideological view. Okay, then moorings, stabilizing, influencing or power. Impeachment, the act of charging or accusing a public official with a crime done while in office. दोषारोपण मतलब इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक इट्स अ एक्ट, अगर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल ने कोई एक्ट किया है अपने ऑफिस में, ठीक है, ड्यूरिंग हिज वर्क ही डिड सम क्राइम, तो उसको बोलते हैं हम इम्पीचमेंट। ओके, द एक्ट ऑफ चार्जिंग, दिस इज एन एक्ट ऑफ चार्जिंग और अक्यूजिंग समवन लाइक समवन योर पब्लिक ऑफिशियल विद अ क्राइम डन इन ऑफिस। ओके, तो दोषारोपण। सो गाइज, इतने ही वर्ड्स थे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो कल मैं और वर्ड्स लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए, अगर आप लोगों को ये वोकैबुलरी अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कोई भी इशू आ रहा है किसी भी वर्ड में या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, आई विल रिप्लाई यू ऑल। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय। Thank you.